नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ से रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहां माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन श्रद्धा लग रहा हो, इस भूतिया गाँव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गाँव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरी प्रजाति है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ रख लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहां के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किसे कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहां पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें पुरुष लापता हो गए थे, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार देती है। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को वश में करने के लिए यहाँ पर कोई तांत्रिक नहीं आता, क्योंकि एक बार एक तांत्रिक ने ये कोशिश की थी जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ आने से डरने लगे। अब लोगों को अपने घर में ही अच्छा रहना लगता है। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता था। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट भी दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार कर दिया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया था और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला लेने लगी थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।